ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज पहली बार जिंदगी में हमने सबसे गलत फैसला लिया है। हमारी जान जा रही है लेकिन जान निकल नहीं रही है। चक्रवात थम गया है परंतु ये दिया क्यों नहीं जल रहा है? ये क्या अनर्थ है? हमें मार्ग दिखाइए, हमें उचित अनुचित समझाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि शहनाज को न्याय दिलाते दिलाते हम शहनशाह और हमारे संबंध के साथ अन्याय कर रहे हैं? हमारी आपसे विनती है काना, कुछ अनुचित मत होने देना, मत होने देना। प्रणाम शहनशाह। प्रसाद। शहनशाह, हम आपसे आदाब। शहनशाह, आदाब बेगम। प्रसाद लीजिए। फरमाइए। वक्त हो गया शहनशाह, टोडरमल साहब की सजा की तैयारियां मुकम्मल हो गई है। ठीक है, अब जाइए, हम तैयार होकर आते हैं। आदाब।
टोडरमल जी, आपके बहुत अच्छे मित्र थे शहंशाह। आपको बहुत पीड़ा हो रही है उन्हें दंड देते हुए, परंतु उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए क्षमा नहीं मिल सकती। हम अब भी क्यों विचलित हो रहे हैं? कुछ अनुचित तो नहीं हो रहा है? हमें कान्हा पर पूरा विश्वास है, वो कभी भी कुछ अनुचित नहीं होने देंगे। शहनाज से मिलकर आते हैं, देखते हैं कैसी है वो। वाह, जलाल का एक और मोहरा गिर गया। जलाल के और बेगम चौधरी के बीच में एक छोटी सी तकरार जो आगे जाके बहुत बड़ी दरार बन जाएगी। बस ऐसे ही जलाल के कुछ दो या चार करीबियों के ऊपर अगर इल्जाम लग गया तो जलाल के साथ खड़े रहने के लिए कोई नहीं बचेगा, और फिर ना चाहते हुए भी जलाल को हमारी ओर देखना पड़ेगा। और उसके बाद आदम जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। क्या बात है आदम, आप खुश नहीं हैं? है हमेशा, मगर हम सिक्के के दूसरे पहलुओं के बारे में सोच रहे हैं। क्या होगा अगर जलाल को पता चल जाए कि निगार उसकी बहन है, और जलाल और निगार एक हो जाए? उसके बाद अगर ये पता चल जाए कि चांद बेगम को इतने सालों से आपने कैद करके रखा है, क्या होगा अम्मी जान? फिक्र मत कीजिए आदम, जब बरसों में किसी को पता नहीं चला तो अब भी किसी को पता नहीं चलेगा, यहां तक कि निगार भी नहीं जानती कि चांद बेगम को हमने अगवा किया था, हमने छुपा कर रखा था। वो तो यही समझती है कि जलाल है इस सब के पीछे। बहुत जल्द महाचूचक की फौज आगरा में होगी। फौज पंजाब की ओर कूच करने के लिए तैयार है बेगम साहिबा। पांच दरियाओं से बनी यह जमीन मुगल फौज के खून से रंगने के लिए बेकरार है। पंजाब सिर्फ रास्ता है फाजिल बेग, मंजिल तो आगरा है। मुबारक हो बेगम साहिबा, आज आपके हाथ में उस फौज की कमान है जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को खाक में मिलाने जा रही है। याद रहे फाजिल बेग, इस फौज के हर सिपाही को इस जंग के लड़ने और फतेहयाब होने की मुकम्मल वजह होनी चाहिए, और इसके बावजूद अगर वो फतेहयाब नहीं हुआ तो तय कीजिए कि उसकी मौत का मातम उसका कुनबा जिंदगी भर मनाता रहे। बेशक मलिका हिंद, बेशक। टोडरमल साहब, आप हिम्मत मत हारिए, खुदा पर यकीन रखिए,
वो बड़ा कारसाज है। वो अपने नेक बंदों को सजा नहीं पाने देता। हम आपके लिए दुआ करेंगे खुदा से। हमें भी अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है ज़ाकिरा। अब तो विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया है वो हमें स्वीकार है। भले ही हम बलिदान हो जाएं, परंतु शहनाज का सत्य सबके सामने आ जाए। मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, आज हमारा दिल हमारे फैसले से बगावत क्यों कर रहा है? हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है? अभी थोड़ी ही देर में तोड़ामल साहब की जान जाने वाली है, लेकिन उस फैसले को लेते वक्त हमारे दिल में इतनी बेचैनी क्यों थी? इतनी बेचैनी हमें आज तक किसी फैसले को लेते वक्त नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई गलत कदम उठा दिया है? मेरे मौला, हमें रास्ता दिखा। एक बादशाह से नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। भले ही बतौर बादशाह हम 100 गुनहगारों को छोड़ दें, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहां मेरे खुदा, बेचैन दिल को चैन दे। मदद कर मौला, मदद कर। कहाँ गया? यहीं कहीं होना चाहिए। ये तो शहनाज का स्वर लगता है। शहनाज, खाना खा लो। जाओ यहाँ से। अभी मुझे खाना नहीं खाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ मैं जोधा बेगम से बात करूंगी। जाओ यहाँ से। जोधा बेगम आ जाएंगी तुम्हारे पास। अभी तो भोजन कर लो, सवेरे से कुछ नहीं खाया है तुमने। जब मेरे पेट से आवाज आएगी तो मैं खा लूंगी। अभी जाओ यहाँ से। बेवकूफ लोग, दो पल के लिए भी हमें अकेले नहीं छोड़ते। हर दूसरी घड़ी हमें पागल बनने का नाटक करना पड़ता है इनके सामने। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे मारा क्यों जोधा? तुम मुझे मार क्यों रही हो जोधा? मैंने किया क्या है ये तो बताओ मुझे। बस क्या समझती हो तुम? तुम हमें ऐसे मारती रहोगी और हम सहते रहेंगे? पागल समझाए क्या? इतना तो हम जान चुके हैं कि तुम विक्षिप्त नहीं हो। कौन हो तुम? जब तुम जान ही गई हो कि हम कौन हैं, तो छुपाने से कोई फायदा नहीं। तो सुन लो, हम निगार हैं और तुम सबसे बड़ी बेवकूफ। बस हमारे सामने तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। जी ये तो हम जान ही चुके हैं कि तुम विक्षिप्त नहीं हो, पर अब प्रश्न ये उठता है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना ओहदा, अपना रुतबा पा सकें, मुगल सल्तनत की वो पहली मलिका बने और तख्त पर राज करें। हम चांद बेगम की बेटी निगार, जन्नत आशियानी शहंशाह हुमायूं की बेटी निगार और जलाल की बड़ी बहन।
वो बहन जिसकी जिंदगी और जिसकी माँ की जिंदगी उस जलाल ने बर्बाद कर दी। उसने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। उन्हें दिमागी तौर पर इस कदर मजबूर कर दिया कि वो अपनी बेटी को भी नहीं पहचान पा रही। जलाल ये नहीं चाहता था सल्तनत का बंटवारा हो। तुम जान बेगम की बेटी, शहंशाह की बड़ी बहन? निगार, तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। शहंशाह कभी किसी स्त्री के साथ अन्याय नहीं कर सकते। वो तो स्वयं जान बेगम को ढूंढ रहे हैं और वो तो जानते तक भी नहीं कि तुम उनकी बड़ी बहन हो। तुम इतना बोलती क्यों हो जोधा? कम बोलती और लोगों को परखती तो शायद आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। चौंक गई ना? शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह। क्या हुआ खाने खाना, आप रो क्यों रहे? ये देखिए शहनाज ने क्या किया, हमारे बच्चे और बेगम के सर उड़ा दिए। कोई बात नहीं, हम आपके लिए नए खिलौने ले आएंगे। नहीं, हमें यही चाहिए थे। अब शहनाज को सजा दीजिए, उसने हमारे बच्चे जलालुद्दीन मोहम्मद और छोटी अम्मी जान जोधा बेगम के सर उड़ा दिए। ठीक है, मैंने ठीक कर देंगे, आप अब जाइए यहाँ से। जाइए। ये क्या खेल हुआ? जब शहनाज को ये खिलौने खेलने के लिए चाहिए थे तो फिर इनके सर क्यों कलम कर दिए? ये हालत शहनाज ने, हम आगे मत बढ़ना जलाल, वरना अपनी सबसे चहेती बेगम से हाथ धो बैठोगे। एहसान फरामोश, जिसने तुझे सहारा दिया, तुझ पर यकीन किया, तू उसी के साथ दगाबाजी कर रही है। दगाबाजी? दुनिया का सबसे बड़ा दगाबाज हमें नहीं की सिखा रहा है? आगे बढ़ने की कोशिश की ना जलाल, अपनी बेगम को खो दोगे तुम। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों कर रही हो उनके साथ गद्दारी? गद्दार तो तुम हो जलाल, तुमने गद्दारी की है अपने अब्बा से, उनके आखिरी हुक्म से। शहनाज, ये शहनाज नहीं है, निगार है, जान बेगम की बेटी, आपकी बड़ी बहन। ऐसा लगता है कि आपने चांद बेगम को बंदी बनाया है, इसलिए ये यहाँ पर प्रतिशोध लेने आई है। चौंकने की जरूरत नहीं है जलाल, तुम्हारी बेगम बजा फरमा रही है। हम निगार हैं, चांद बेगम की बेटी और इस तख्त की वारिस। तुम हमारी बहन हो। बदकिस्मती से हम तुम्हारी बहन हैं। तुमने सारे निशानात मिटा दिए ना जलाल, हमारी अम्मी जान तक पहुंचने के, लेकिन मरहूम शहंशाह हुमायूं और चांद बेगम की बेटी, उनकी आखिरी निशानी नहीं मिटा। हमने अपनी अम्मी जान को खोज लिया और उन्हें जल्द से जल्द हम वहां से आजाद भी कर देंगे और तुम्हें इस दुनिया से। लेकिन हम तो जानते भी नहीं कि चांद बेगम कहां है, हम खुद उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। ये देखो ये फरमान, मरहूम शहंशाह हुमायूं और हमारे वालिद साहब के जरिए इस फरमान में लिखा है कि इस गद्दी पर हक हमारा, तुम्हारा नहीं, और ये गद्दी तुमसे ना छिन जाए इसलिए तुमने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। ये फरमान तुम्हें चाहिए था ना, इन बदकिस्मती से ये हमारे पास है। मगर हमें तो इन चीजों के बारे में मालूमात भी नहीं है, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि तुम हमारी बहन हो। झूठ है ये सब,
सब कुछ जानते हो और दुनिया से छुपाना चाहते हो, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। अगर तुम्हें नहीं पता होता कि हम कौन हैं, तो तुम हमारी अम्मी जान के बदले में हमारा कत्ल करवा देते जलाल, या फिर तुम हमें भी कैद कर देते जिस तरह से तुमने हमारी अम्मी जान को सालों से कैद में रखा है। उस दिन जहर से तो तुम बच गए थे, लेकिन कब तक बचोगे? जंग में हमारे हाथों शहीद होना है तुम्हें। मैं यहाँ भागने या छिपने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारा खात्मा करने आए। हम वो सब कुछ हासिल करेंगे जिस पर हमारा हक है, हमारी अम्मी जान का हक है। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी जलाल। जो सभी अब ठीक तो है? जी शंशम ठीक है। उसका जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसका कत्ल कर देंगे हम। नहीं शंशम, आप ऐसा नहीं करेंगे। शहनाज को भले भ्रम हुआ है, परंतु वो आपकी बड़ी बहन है, आप यूं ही उसे समाप्त नहीं कर सकते। आप हमारी चिंता मत कीजिए और जाइए, इससे पहले कि वो आपको शत्रु समझकर आप पर प्रहार करे। आप जाइए।